गुलबर्गा शहर के यतीमखाना अंजुमन अंसारुसफा में आज शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से स्टडी सेंटर और न्यू हॉस्टल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इनॉग्रेशन के लिए चीफ गेस्ट कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मौलाना शाफी सादी, गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा, गुलबर्गा साउथ MLA अप्पू गौड़ा, एरिया कॉरपोरेटर विशाल दरगी, वक्फ बोर्ड ऑफिसर हजरत अली और इनके अलावा शहर के सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स, यतीमखाना मेंबर्स और कई दीगर शहर के जिम्मेदार मौजूद थे। आज तक आप लोगों ने ऐसे कई वक्फ बोर्ड इदारे देखे होंगे जहां उस इदारे के जिम्मेदार तो बहुत होते हैं पर उन इदारों की हालत दिन ब दिन बस से बदतर होती जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम गुलबर्गा शहर के यतीमखाने की बात करें तो ये एक ऐसा इदारा है जहां सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट की सदारत में हर आए दिन कई डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। अल हुदा इस्लामिक स्कूल, अरेबिक मदरसा, कंप्यूटर लैब और अब स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही हैं, जिसके ज़रिए यतीम, यसीर, मुस्तहिक बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन दिया जा सके। यतीम खाने में जो टीपू सुल्तान के नाम से स्टडी सेंटर बनाया गया है, इस स्टडी सेंटर में IAS, IPS, KPS और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तमाम यतीम, यसीर, मुस्तहिक और गरीब बच्चों के लिए फ्री में तालीम दी जाएगी। और इस यतीम खाने में यतीम, यसीर, मुस्तहिक बच्चों के रहने के लिए भी बेहतर हॉस्टल का इंतज़ाम किया गया है। आपकी नज़र में कोई यतीम मुस्तहिक बच्चे हैं तो आप उनका एडमिशन इस हॉस्टल में करवा सकते हैं। और इस यतीम खाने में यतीम, यसीर, मुस्तहिक बच्चों के रहने के लिए बेहतर हॉस्टल का भी इंतज़ाम किया गया है। आपकी नज़र में कोई यतीम मुस्तहिक बच्चे हैं तो आप उनका इस हॉस्टल में एडमिशन करवा सकते हैं। तमाम ज़रूरतमंद बच्चों के लिए फ्री में रहने, खाने पीने और पढ़ाई के लिए यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं। इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम चीफ गेस्ट और दीगर मेहमानों ने मजहर हुसैन एडवोकेट और दीगर कमेटी के जिम्मेदारों की खिदमात को सराहते हुए डेवलपमेंट के लिए शुक्रिया अदा किया है। और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मौलाना शाफी सादी, साउथ MLA अप्पू गौड़ा और नॉर्थ MLA कनीस फातिमा ने आने वाले दिनों में दीगर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करने का भरोसा भी दिलाया है। इस मौके पर यतीम खाना कमेटी के प्रेसिडेंट सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट और दीगर जिम्मेदारों ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम से ज़रूरतमंद बच्चों का यहां एडमिशन करवाने की गुजारिश की है। यतीम खाना का प्रोग्राम को आया, आके बहुत खुशी हुआ मैं। हमारा पूरे यतीम खाने का जिम्मेदार हजरात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और एक यतीम खाने का स्कूल और वो क्लासेस बहुत अच्छा है, मॉडर्न है। बहुत खुशी में दिल का गहराई से शुक्र गुजारूँगा। इसके साथ साथ मैं और कनीस फातिमा मैडम, रेवरा साहब और हमारा याकूब साहब मेंबर पूरे मिलके गुलबर्गा में एक 10 डिस्ट्रिक्ट में एक लेडीज़ कॉलेज शुरू करना चाह रहे। एक लेडीज़ कॉलेज इंशाल्लाह हमें गुलबर्गा में हमें करेंगे और उसका भी भरोसा दे चुके हैं। और बहुत पूरे गुलबर्गा का शहर को, मैं शहर वाले को मैं शुक्र गुजार हूँ। कलबुर्गी नगर दल यतीम खाना कार्यक्रम आयोजन नम स्टेट वक्फ चेयरमैन आगिवंथ मौलाना साफी साहेबर इवत बंद इवत मक्कळिगे शिक्षण इले सवलत्त निटनिंद इवत्तु कार्यक्रम आगिरुवंतद्दु ओंदु स्टडी सेंटर अन्नु कूड इवत्तु प्रारंभ माडिदारे। नम्म महानगरपालिके सदस्यरादंत विशाल दरगी अवरु एनेनो मक्कळिगे मूलभूत सौकर्यगळु बेकागिदवे नावु खंडितवागि अदन्न माडलिक्के ओंदु प्रामाणिक प्रयत्नवन्न माड्तेवे। मत्तु नम्म चेर्मेन्रु नम्म सरकारदल्लि आदंत साधनेगळन्न ईगागले अवरु हेळिद्रु। ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ IPS, IAS ಮತ್ತು KS ಕೋಚಿಂಗಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ अभिनंदनगळन्नु सल्लिसुत्तेने। यतीम खाने में मैं कई दफ़ा आ चुकी हूँ, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि ये यतीम खाना है। इतना अच्छा मेंटेनेंस है यहाँ का, इतनी अच्छी माहौल है यहाँ का। और अब जो ये नई कमेटी बनी है, काफ़ी काम कर रहे हैं ये लोग और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी शाफी सादी साहब ने भी ये कह कर गया है, वक्फ बोर्ड से जो भी हमारा सपोर्ट चाहिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मैं भी वक्फ बोर्ड की मेंबर हूँ, इसलिए मैं भी आप तमाम से ये कहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमसे जो भी ताउन होगा
हम लोग करेंगे। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह भारत में ऐसा बादशाह पैदा न हुआ, जो लड़ा था सिपाहियों की तरह भारत में ऐसा बादशाह पैदा न हुआ, रू तो हुई तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा न हुआ। तो ऐसे एक सबसे पहले फ्रीडम फाइटर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से यहाँ पर यतीम खाना अंजुमन अंसार सफ़ा में एक स्टडी सेंटर यहाँ पर कायम किया गया है, जिसके लिए मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के चेयरमैन नॉर्थ MLA कनीस फातिमा मैडम और साउथ MLA अप्पू गौड़ा साहब का मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने यहाँ पर मौका दिया, यहाँ पर वक्त दिया इस्तेदा के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उन लोगों का भी मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इस प्रोग्राम में जो शिरकत किए हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदार, और यतीम खाने अंजुमन अंसार सफ़ा के तकरीबन मेम्बर्स भी इस प्रोग्राम में, इस इफ्तिताह प्रोग्राम में मौजूद रहे, और जिसकी वजह से हमारी हिम्मत अफजाई हुई है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर यतीम खाना अंजुमन अंसार सफ़ा ने एक प्लान बनाया है, एक बच्चों को ये जो मौजूदा हालत हैं, जो हालत को देखते हुए हमारे को अगर मुकाबला अगर करना है तो बच्चों को मजबूत अगर बनाना है तो उनको अच्छी मजबूती से तालीम देना होगा। एक तालीम देने के लिए एक अच्छी फैसिलिटी होना चाहिए, एक ज़रिया होना चाहिए जिसके ज़रिए से बच्चों को हम अच्छी से अच्छी तालीम देंगे, तो तालीम के ज़रिए से हालत का मुकाबला करने के लिए उसके अंदर सलाहियत और वो काबिलियत आ सके। इसको नज़र में रखते हुए हमने यहाँ पर स्टडी सेंटर कायम किया है। इस स्टडी सेंटर के ज़रिए से यहाँ पर स्टडी सेंटर के अंदर जो है पूरा कम्प्लीट जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए एक अच्छे स्टडी सेंटर के लिए, स्मार्ट क्लास यहाँ पर है, उनको स्टडी मटेरियल भी इंशाल्लाह दी जाएगी। इस स्टडी सेंटर के ज़रिए से तमाम जितने भी IAS IPS KPSC जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, इस स्टडी सेंटर के ज़रिए से तमाम बच्चों को जो मुस्तैक हैं, यतीम हैं, मिस्किन हैं, गरीब है, यसीर है, तमाम बच्चों को इस स्टडी सेंटर के ज़रिए से उनको मुफ्त में तालीम दी जाएगी। और साथ ही साथ नीट का भी मामला है, नीट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 50,000 रुपये वहाँ पर उनको फीस लेकर नीट की कोचिंग दिया देते हैं। तो यहाँ पर हमारे यतीम खाने के ज़रिए से आने वाले दिनों में यहाँ पर हमको हम जो है वो जो POC स्टूडेंट हैं उनको नीट की भी कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको नीट की भी कोचिंग यहाँ पर इंशाल्लाह देंगे। और यहाँ पर हमने हॉस्टल के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करने के लिए हमने एडिशनल रूम्स भी हॉस्टल रूम्स बनाए हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास आस पास अगर कोई भी यतीम यसीर और मिस्किन जो मुस्तैक गरीब है अगर है तो यहाँ पर यतीम खाने को रुजू हो जाइए। यहाँ पर एप्लीकेशन है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर एडमिशन कराइए। उसके लिए यहाँ पर ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है, आकर एप्लीकेशन हासिल कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराइए। यतीम खाना अंजुमन अंसार सफ़ा की कमेटी की जानिब से आज एक और माइल स्टोन अचीव किया गया है। आज इस इदारे में हज़रत टीपू सुल्तान स्टडी सेंटर ऑडिटोरियम और स्टडी रूम का इफ्तिताह हुआ है। यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी चाहती है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे हमारी कम्युनिटी के उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर तालीम और रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए, और एक अच्छी तरबियत और एक अच्छा यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी महकमों में हमारे बच्चे अपनी मुलाजिमत हासिल करें। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारी कमेटी के, जो आज के मेहमानों के सामने खुसूस तौर पर हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और यहाँ के हमारे लोकल MLAs कनीस फातिमा साहिबा और अप्पू गौड़ा साहब के सामने पेश किए गए हैं, और उन्होंने भरपूर तआवुन का वादा किया है। इंशाल्लाह अगले दिनों में और ज़्यादा यहाँ पर हम तरक्की का काम करेंगे। आज यतीम खाना गुलबर्गा में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक स्टडी सेंटर खोला गया है, जिसकी जो ज़रूरत गुलबर्गा में थी, जो लोग आने वाले उनकी जो एजुकेशन होती है, जो उनकी पढ़ाई होती है, जो नीट के एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, जो IPS क्रैक करना होता है, IAS बनना होता है, उनके तमाम कोचिंग जो है यतीम खाने में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि एक बार आप यहां पर विज़िट करिए। इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी बिल्डिंग यहां पर बनाई गई है, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, क्लासरूम को इतना अच्छा डेकोरेट किया गया है, एक बहुत ही अच्छा फंक्शन कर उसकी इनॉग्रेशन आज हुई है। मैं साथ ही साथ
तमाम यतीम खाने की टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अलूदा स्कूल, इस्लामिक स्कूल एक इनॉग्रेशन हुआ, फिर बच्चों के लिए हॉस्टल, ये तमाम चीज़ों की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई। और आज ये इतने बड़े लेवल पर एक लाइब्रेरी टाइप इनॉग्रेशन होना, ये हम तमाम लोगों के लिए खुशी की बात है। तो मैं तमाम गुलबर्गा के लोगों के, खासकर नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर क्लासेस में आकर यहाँ से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर अक्सर आता हूँ मज़र एडवोकेट साहब के साथ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कमेटी के तमाम मेंबर्स दिन रात अपना टाइम देते रहते हैं, एक काम एक जिम्मेदारी से लिए तो एक मेंबर फिर अपनी ज़िम्मेदारी से वो काम को पूरा अंजाम देते हैं। उसका नतीजा आज ये है कि स्कूल खुला, हॉस्टल खुला, आज फिर स्टडी सेंटर, लाइब्रेरी का भी इनॉग्रेशन हुआ है। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ यतीम खाने के पैसों से बनाई हुई है, जबकि गवर्नमेंट के भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसे अभी इस्तेमाल, अभी वो सेंशन अमाउंट नहीं हुआ होगा शायद, उसके बाद भी अभी आने वाले दिनों में कई सारे स्कीम। मैं आज स्टेज पे बोल रहे थे तो सुन रहा था कि सामने की जगह में शादी महल बनाया जाएगा, एक ऑडिटोरियम हॉल बनाया जाएगा, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह तमाम कमेटी से उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में और इससे ज़्यादा अच्छा बेहतर काम कर बताएंगे। लेकिन जो पिछले 5 साल से जो ये कमेटी एक्टिव होकर काम कर रही है, ख़ासतौर पे इस बार जो नए सदर बने हैं हमारे सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट साहब, उनकी सदारत में बहुत अच्छे अच्छे काम देखने में आ रहे हैं। आज उसकी मिसाल हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह स्टडी सेंटर के तौर पर एक बेहतरीन इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें बहुत सारे शहर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदार की मौजूदगी और शहर के बहुत सी समाजी और सियासी कायदीन भी यहाँ पर मौजूद थे। बड़ी अच्छी खुशी हुई कि आज एक ऐसे इदारे में जो पिछले कई सालों से यतीम खाना बल्कि यतीम खाना ही यतीम हो गया था, लेकिन जो पिछले 5 साल से डे बाय डे स्कूल और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, मैं पूरे सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट साहब के साथ साथ पूरी कमेटी के मेंबर्स जो बराबर के मुबारक के हकदार हैं, मैं उनको तमाम को मैं अपने दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, ये एक रिज़ल्ट अच्छे लोगों को चुनकर लाने के बाद, एक अच्छी कमेटी बनने के बाद, विजनरी लोगों का जो है ना सिलेक्शन होने के बाद ये रिज़ल्ट आता है, बिल्कुल मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा। ओवरऑल इसका जो है ना तमाम जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, क्योंकि ये एक मुस्लिम इदारा जो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी तरीके से खिदमत अंजाम दे रहा है। तो मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा, वो आकर जो है ना एडमिशन्स वगैरह लें। गुलबर्गा के ये जो यतीम खाना अंजुमन सफ़ा, यहाँ पर जो आज प्रोग्राम किया गया है, यहाँ पर जो प्रोग्राम करने का जो मकसद है, यहाँ पर जो ये जो इदारे के अंदर बहुत अच्छे क्या मालूम है स्मार्ट क्लास देखे, बहुत अच्छे स्मार्ट क्लास, मतलब जो देखने के लिए जो यतीम खाने में ऐसे स्मार्ट क्लास, ये बहुत काबिल तारीफ है। मैं पूरी कमेटी को क्या मालूम है यतीम खाना कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ, पूरी प्रेसिडेंट को, पूरे आपके जितने भी मेम्बर्स हैं सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर जो IAS IPS जो भी KS जो भी कोचिंग चलने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है गुलबर्गा के लिए। और यहाँ पर जो भी अगर ये आगे आने वाले दिनों में क्या मालूम है यहाँ आकर आप कांटेक्ट करिए, यहाँ पर जो जो भी है आप यहाँ से पूछ के क्या मालूम रब्ता करके क्या मालूम है यहाँ पर और भी हासिल कर सकते। ये जो स्टडी सेंटर है बहुत ही जो है ना एक अच्छे अंदाज में डिज़ाइन किया हुआ एक स्टडी सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें LED वगैरह की जो है ना तमाम तरह सहूलियात हैं, जहाँ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के क्लासेस को जो है ना कंडक्ट किया जा सकता है। ये इस स्टडी सेंटर का मकसद ये है कि जो है ना यहाँ पर जो है ना नीट या KS IAS वगैरह के एग्ज़ाम्स के जो है ना क्रैक करने का जो है ना तालीम दी जाएगी, और जो है ना यहाँ पर फ्री तालीम मुहैया करने का ये सब की जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तमाम उन स्टूडेंट्स जो है ना ऐसी तालीम हासिल करने के जो है ना कोशिश में हैं, वो मुस्तैक अगर हैं तो जो है ना उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तमाम लोग आएँ, अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा की कमेटी से रजू हों और यहाँ पर जो है ना अपने स्टडीज़ को हासिल करने की कोशिश करें। यतीम खाने का जब काम देखे यहाँ पर, उनकी ज़ुबानों से मालूम होता है कि वो काफ़ी जगह के सर्वे होने के बाद गुलबर्गा शहर के यतीम खाने के जिस तरीके से काम हुआ है बहुत तारीफ़ कर गए। इंशाल्लाह वो भी जिस तरह से भी जो है वक्फ बोर्ड से सहूलतें फ्राहम की जाएंगी उनकी जानिब से वादा करके गए हैं इंशाल्लाह। और तमाम कमेटी के मेंबरान को हम भी मुबारकबाद देते हैं कि इतना शानदार प्रोग्राम यहाँ पर उन्होंने जो है इनेखात किया था,
और बिल्डिंग देखकर हमको भी बहुत खुशी हुई कि हमारे जितने सालों से यहाँ पर भी यतीम खाने के बाद जाती जो है तजुर्बा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये कमेटी जो है ना काफ़ी काम कर चुकी है।